हम इस समय महाराष्ट्र में नागपुर में हैं, यहाँ पर दीक्षा भूमि में जो अपर पुलिस असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के पास हैं और जो उनकी जिम्मेदारी पर यहाँ दीक्षा भूमि की सारी जिम्मेदारी सुरक्षा के दृष्टि से रखी गई है। और आप सर, मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि जो सुरक्षा की दृष्टि से आपकी पूरी जिम्मेदारी है और जैसे आपका लगातार यहाँ 4 दिन का प्रोग्राम मान के दे रहेगा, और इसमें आप किस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से आप रखते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी सर? सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी, थैंक यू सो मच। जैसे कि आप सबको पता है कि दीक्षा भूमि में धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में पूरे नागपुर में से ही नहीं, विदर्भ से नहीं, महाराष्ट्र में से नहीं, देश में से नहीं, बल्कि विदेश से भी बहुत सारे श्रद्धालु और भाविक आते हैं और लाखों लोगों का हुजूम यहाँ पे उमड़ता है और 2-3 दिन में करीब 25 से 30 लाख लोग यहाँ पे आते हैं, ऐसा आयोजक का दावा है। अब इतनी बड़ी पैमाने पे अगर पब्लिक या क्राउड आ रही है तो सुरक्षा इंतजाम भी उतने ही पुख्ता होना चाहिए। इसलिए हमारे पुलिस आयुक्त आदरणीय श्री अमितेश कुमार सर बहुत ही मेहनत लेके उन्होंने हमारे सीनियर ऑफिसर से लेके जूनियर ऑफिसर्स को कॉन्फ्रेंस में लेके एक एक्शन प्लान बनाया है, जिसके तहत जब भी इतना बड़ा क्राउड जमा होता है तब इससे पहले ऐसे मौक़ों पर अगर कोई वारदात हुई है, कोई दुर्घटना हुई है, तो उसमें से हम क्या क्या सीख ले सकते हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ा विचार मंथन होमवर्क हुआ है। और जो जो आम तौर पे अभी तक देखा गया है वो क्राउड कंट्रोल, क्राइम कंट्रोल, एंटी सैबोटेज, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्टैम्पेड प्रिवेंशन, ये सब बातों के ऊपर बहुत ही बारीकी से और मेहनत से हमारे पुलिस आयुक्त आदरणीय श्री अमित कुमार सर ने एक एक्शन प्लान बनाया हुआ है। अब जैसा कि हम जानते हैं दीक्षा भूमि सभी श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा श्रद्धा स्थान है, तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके बारे में पूरा इनफ नंबर ऑफ पुलिसमैन अलॉन्ग विथ एटलीस्ट 2000 वॉलंटियर्स, समता सैनिक दल के कम से कम 2000 वॉलंटियर्स हैं, कुछ होमगार्ड्स हैं, कुछ रिक्रूट पुलिस है, कुछ SRPF है या पैरामेडिक फोर्सेज के प्लेटून है, इससे कम से कम 2000 पुलिस वाले, 1.5 से 2000 पुलिस वाले इंक्लूडिंग सब सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स एंड वॉलंटियर्स हम यहाँ पे 3-4 दिन तक ड्यूटी देंगे। हमारे ड्यूटी के जो जो डूज एंड डोंट्स है वो हमने बहुत सही ढंग से सोच समझ के उसके ऊपर विचार करके इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की है। जैसे कि इतना बड़ा क्राउड आता है तो क्राउड का फ्लो सही ढंग से जाए, लोगों का मोबाइल डेफ्ट या बच्चे मिसिंग होना या पिक पॉकेटिंग, चेन स्नैचिंग, मॉलेस्टेशन या इस ढंग की कोई घटना यहाँ पे ना हो, इसलिए पूरी तरह से पुलिस सतर्क है। आपके माध्यम से मैं श्रद्धालुओं को यही विनंती करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ जो भी डूज एंड डोंट्स है उसका आप भी ख्याल कीजिए। जैसे कि कोई बीमार या बहुत ही जर्जर वृद्ध व्यक्ति या बहुत छोटे बच्चे जिनकी सेहत को कभी कभी विपरीत परिणाम भी हो सकता है, उनको यहाँ पे लाना है या नहीं लाना है इसके बारे में प्लीज़ आप सीरियसली सोचिए। आपके जो बिलोंगिंग्स है, जो कीमती वस्तुएं या कैश बहुत बड़े पैमाने पे अगर आप यहाँ पे लाना चाहते हो तो ज़रूरी है या नहीं इसका भी विचार कृपया आप कीजिए। और पुलिस और वॉलंटियर्स आपकी सेवा के लिए कटिबद्ध है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से जनता को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप दीक्षा भूमि में जरूर आइए। डॉक्टर साहब की जो भी कृतियाँ है, अस्थि कलश है या उनके जो भी अवशेष है उसका दर्शन आप जरूर कीजिए, बट उसके साथ साथ जो जो दुर्घटनाएं अभी तक यहाँ पे हमारे देश में या बाहर अनफॉर्चुनेटली हुई है उसका बारे में थोड़ा आप ही सोचिए अगर सोच सकते हो तो। और अगर आप उसके टालने के लिए जो जो केयर करना जरूरी है वो अगर आप ले सकते हो तो वी विल बी वेरी थैंकफुल टू द पब्लिक। सर, मैंने देखा हूँ आपके द्वारा जगह जगह पुलिस तैनात है, ऐसा नहीं कि मैं चारों तरफ घूम के देखा हूँ, क्योंकि 4 गेट है, 4 गेट में भी व्यवस्था है। बाहर भी जो आप पार्क में जैसे एक पार्क बनाया गया है, पार्क के अंदर पुलिस जगह जगह घूम रही, महिला पुलिस की जिस पुलिस में नज़र है और सुरक्षा में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, ये आपका बहुत धन्यवाद और आप हो नहीं सकती है और आगे कोई जान नहीं रहा कि क्या हो, लेकिन आपके हस्तक्षेप में हो सकते हैं सबके लोग आ सकते हैं,
जगह जगह कैमरे की निगाह में भी है, मैं देखा हूँ कैसे कैसे पकड़े लिया जाए, इस तरह को लगता है कि हर जगह कैमरा लगा हुआ मैं निगाह देखा हूँ। थैंक यू सो मच, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, जनता को अपील है कि आप भी पुलिस को सहकारी कीजिए ताकि पुलिस अच्छे ढंग से आपकी सेवा।